أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और इंतहाई रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। सदका अल्लाह तबारक ताला के हाँ बहुत ही ज़्यादा अजर और सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि किन चीज़ों का सदका अगर दें तो घर में दौलत आना शुरू हो जाती है, तो बस आप भी उन चीज़ों का सदका देना शुरू कर दें, दौलत और रिज़क भागती हुई आपके कदमों में आ जाएगी, आपके पास मालो दौलत की रेत पेल हो जाएगी। घर से परेशानियों का, बंदिशों का, बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। हर तरफ दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदक़े को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना कोई शर्त नहीं। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मौजूद सामईन, आज मैं आपको उस ख़ास सदक़े के बारे में बताने लगी हूँ कि जिसको अगर आप देते रहेंगे तो आपके घर में खुशियाँ और मालो दौलत आना शुरू हो जाएंगी। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इससे फ़ायदेमंद हो सकें। मौजूद नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको ऐसे सदक़े के बारे में बताया जाएगा कि जब आप इसको देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। इसके लिए आपने बस इन सदक़ों में से कोई एक भी सदक़ा अपने हाथों से निकालना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर उज्व पर सदका वाजब है, इसलिए एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह के वक्त उठता है यानी सुबह का सूरज देखता है, इसके हर जोड़ पर सदका वाजब हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजब होने वाले इस सदक़े को अदा करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या कोई बड़ा मसला हो जाता है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख़्याल ही जहन में नहीं आता है। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में परेशानियां, तकलीफ़ें और तंगियां आना शुरू हो जाती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती चली जा रही होती हैं, बलाएं नाजिल होना शुरू हो जाती।
रिज़क की तंगी नाजिल होती है और मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने के सबब हो रहा होता है। इन तीनों सदकों के बारे में जानने से पहले, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप जब इन में से कोई एक भी सदका देना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी समझना शुरू हो जाती है। इस बात को जान लें कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदक़े के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि सदका देना बहुत ज़रूरी होता, क्योंकि आसमान से जो बलाएं नाजल की जाती हैं, ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है, बल्कि गुरबत और परेशानी से भी बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिज़्क और दौलत में भी इजाफ़ा होता है और घर में खुशहाली और बरकत आ जाती है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात ही बता देते हैं, या किसी के साथ मुस्कुरा कर बोल देते हैं, तो ये सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ अपने वक्त को गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की अयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास अख्तियार हो कि आप उसको सज़ा दे सकें, लेकिन आप उसको सज़ा ना दें, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना, इससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता, वो कभी भी आँख से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है, इस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वीडियो में आपको तीन सदकों के बारे में बता रही हूँ। इन तीनों में से आपने कोई से भी दो सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदकों के करिश्मे और करामात अपनी आँखों से नज़र आ जाएंगे। जो शख्स ये सदक़े देता रहता है, इसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिज़क की तंगी के मसाइल नहीं आते, रिज़क और दौलत इस पर बरसती रहती है। अब हम इन सदकों के बारे में जान लेते हैं। इनमें सबसे पहला सदका ये है कि किसी भी चौपाए को खाना या पानी डाल दिया जाए। चौपाया उन जानवरों को कहते हैं कि जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर इसमें शामिल हैं। जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक किसी चौपाए को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्त ये कि वो चौपाया इसकी अपनी मलकियत ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुरबत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हज़रत अली ने इस शख्स की जानब देखा और इरशाद फरमाया
कि ऐ शख्स, तुम अपने रिज़क से अल्लाह तबारक ताला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दो, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी गुर्बत और मुफलसी को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मैं तो नहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा कि होता है। हज़रत अली ने फरमाया, ए शख्स, अपने रिज़क में से अल्लाह की गैर मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के दो दाने ही क्यों ना दो, लेकिन ज़रूर दो, फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक ताला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़क से हर तरह की परेशानी और तंगी का खात्मा कर देगा और तुम्हारे घर में इतनी दौलत आना शुरू हो जाएगी कि इसे रखने के लिए घर में जगह कम पड़ जाएगी। मोहतरम नाजरीन, दूसरी किस्म का सदका जो है वो हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना, इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख को मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, मेरे इस काम में फरावानी हो, तो उसे चाहिए कि दूसरों के इसी काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक ताला इसके इस काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर देंगे और इससे इस काम के मुतल्लिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा ली जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज़क के हवाले से आपके जितने भी मसले हैं और जितनी भी परेशानियां हैं सब ख़त्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिज़क की तंगी आप पर बाकी ना रहे, आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आना शुरू हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि आपके घर में रिज़क की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आपको भी चाहिए ये काम शुरू कर दें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन कहा जाता है कि जुमेरात को ही खाना खिलाना चाहिए, ये अफजल है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी वक्त और किसी दिन भी खाना खिलाया जा सकता है। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, मेरी आंखों का देखा माजरा है कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, गुर्बत थी, लेकिन जब उसने हर हफ्ते किसी एक गरीब और भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते उसके हालात बेहतर होने लगे। जब अल्लाह तबारक ताला ने इस पर रिज़्क के बंद दरवाज़े खोल दिए तो उसने भी हफ्ते के एक दिन की बजाय हफ्ते के सातों दिनों में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और फिर यूं हुआ कि इस पर अल्लाह तबारक ताला की जानब से रिज़्क की बरसात होने लगी। यही वो वक्त था कि जब उसने रोज़ाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। इसके दिन फिरते चले गए, ये हमारी आँखों के देखा वाक़िया है। तब ही से मैं ख़ुद भी इस काम पर अमल करती हूँ और मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। सबको यही अमल बताना चाहती हूँ, आप जितनी भी हिम्मत रखते हैं दूसरों को खाना खिलाना शुरू कर दें। आपका ये अमल आपकी दुनिया और आखरत को यूँ संवार देगा कि आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना ना सिर्फ आपके लिए रिज़्क और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा बल्कि आपकी आखरत भी संवर जाएगी। अब ये बात भी जान लीजिए कि तीसरा सदका परिंदों को दाना और पानी डालना है। कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़ियां पेट भर कर सोती हैं और इसकी वजह यही है कि अल्लाह तबारक ताला पर कामल यकीन रखती हैं, क्योंकि परिंदों का अल्लाह तबारक ताला पर कामल यकीन होता है
कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिज़्क की तंगी हो या कोई भी मुसीबत और परेशानी हो तो उसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक को खाने पीने का बंदोबस्त कर दे, सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करे, फिर परिंदों के लिए हसब तौफीक दाने का बंदोबस्त कर दे, अगर तौफीक ना भी हो तो पानी का बंदोबस्त कर दे, इस काम को अपना मामूल बना ले, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला इस अमल की बरकत से इसकी रिज़्क़ की तमाम परेशानियां और इसके अलावा दूसरी तमाम परेशानियां ख़त्म कर देगा कि इसको जितना भी रिज़्क चाहिए होगा उसको अता कर दिया जाएगा। जान लीजिए कि जो शख्स भी परिंदों को दाना और पानी डालना अपना मामूल बना लेता है तो परिंदे भी इसके लिए दुआ करते रहते हैं, जिसके बाद इस शख्स के रिज़्क दौलत और पैसे में कभी कमी नहीं आती। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि तमाम लोगों की रिज़्क की जितनी भी परेशानियां हैं और जो जो भी मसले और मसाइल हैं उन्हें अपनी रहमत के सदक़े में हल फरमा दे। अल्लाह ताला सबको खुशहालियां नसीब फरमा, आमीन। अल्लाह ताला किसी को भी मोहताज ना बना, आमीन। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के सिवा किसी के आगे भी हाथ फैलाने की नौबत ना आए। अल्लाह ताला अपने दर का भिखारी रख, किसी और दर पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐ अल्लाह ताला, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तू ही राजिक है, तू ही खालिक है, तू बेशक चाहे तो रिज़क के दरवाज़े खोल दे, अपनी रहमत के सदक़े हमारे लिए भी रिज़क के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह ताला हम पर भी अपनी रहमत फरमा। मौज़ा सामीन, आपका सुनना और मेरा सुनाना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आखिर में आप लोगों से फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह ताला के बाबरकत 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में तहरीर कर दें।